इस साल सबसे ज्यादा चर्चा और विवादों में रही फिल्म पद्मावती का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में रणवीर सिंह, महाराजा रावल रतन सिंह के रोल में शाहिद कपूर और पद्मावती के रोल में दीपिका पादुकोण नजर आ रही हैं। ट्रेलर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रणवीर सिंह हैं। वे अलाउद्दीन खिलजी के रोल में जबरदस्त नजर आ रहे हैं। उनके लुक और बॉडी लैंग्वेज को देखकर लोग दीवाने हो गए हैं। फिल्म में रणवीर, दीपिका और शाहिद पर भारी पड़ेंगे। ट्रेलर की शुरुआत में दीपिका पादुकोण की एंट्री दिखाई गई है। रानी पद्मावती के लुक में दीपिका का राजपुताना अंदाज बेमिसाल है। शाहिद कपूर भी एक सभ्य और शालीन राजा के लुक में अपने किरदार राजा रावल रतन सिंह के साथ न्याय करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म पद्मावती के ट्रेलर रिलीज को लेकर मेकर्स ने जानकारी शेयर की थी। ट्विटर पर शेयर किए गए पोस्ट के मुताबिक पद्मावती का ट्रेलर 9 अक्टूबर दोपहर 13:03 पर रिलीज होने की जानकारी दी गई थी। ट्रेलर रिलीज का इस समय रखे जाने के पीछे भी एक खास वजह है। वजह है 1303 ईस्वी की तारीख राजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुई लड़ाई की गवाह है। कहानी की इस खास घटना को जिस क्रिएटिव अंदाज में ट्रेलर जारी करने के समय के साथ जोड़ा गया है, वैसे ही जारी हुए ट्रेलर में स्टार्स की केमिस्ट्री भी रोचक नजर आ रही है। 3 मिनट के इस ट्रेलर ने पूरी फिल्म की झलक दिखा दी है। ये फिल्म भी संजय लीला भंसाली की पिछली फिल्मों की तरह ही भव्य है। कई सीन्स आपको उनकी पिछली फिल्म बाजीराव मस्तानी और रामलीला की याद दिलाएंगे। पद्मावती के ट्रेलर को जो रिएक्शन मिल रहे हैं, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देगी।